हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया में कई सारी स्टेट्स के अंदर में एयर पॉल्यूशन लेवल सीवियर लेवल तक पहुंच चुका है। कई सारी सिटीज जैसे कि दिल्ली हमारा, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद और यहां तक कि भुवनेश्वर जैसी सिटीज वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर में आती है। एक तरफ इकोनॉमिकली देखें तो ये सिटीज बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपेसिटी रखती हैं और बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन वहीं पे अगर हम एनवायरमेंटल हजार्ड के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही गलत खबर है, बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव खबर है कि ये सिटीज वर्ल्ड की टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से आती हैं। डेफिनेटली ऐसे में हम जनरली क्या करते हैं, हम अपने जो बच्चे हैं और जो एल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादातर घर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग होते हैं, वल्नरेबल बच्चे हैं, वल्नरेबल जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से। बट क्या हम घर के अंदर भी सेफ है? क्या इनडोर पॉल्यूशन हमें परेशान या हमारे एनवायरमेंटल हजार्ड को बढ़ा रहा है या नहीं? डेफिनेटली जो हम घर के अंदर में रहने से सुरक्षित महसूस करते हैं, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। इंडोर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जैसी सिटीज के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है। जो पेंट हम यूज करते हैं वॉल्स पे, अपनी वॉल्स को बहुत ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, हम जो यूटेंसिल्स, जो नॉन, जो स्टिकी यूटेंसिल्स को यूज करते हैं अपनी किचन के अंदर में, हम जो प्रोडक्ट्स, बॉटल्स और जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं अपने घरों के अंदर में, हमारे जो कर्टेन्स होते हैं, हमारे जो फुटरेस्ट होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारे जो एल्डर और जो जो बच्चे हैं और इवन जो एडल्ट्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा उसके टाइम पीरियड फ्रेम्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से यानी ज़्यादा टाइम एक्सपोजर होने की वजह से इंडोर भी हमारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ना बाहर सेफ हैं ना ही हम अंदर सेफ हैं। अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या है इंडोर पॉल्यूशन, क्या इंडोर पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, जिस तरीके से हम आउटडोर पॉल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे मैकेनिज्म को यूज करते हैं, क्या इंडोर पॉल्यूशन के लिए इस तरीके से बचा जा सकता है, क्या क्या चीजें इसमें की जा सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जो कंट्रीज हैं अलग अलग कंट्रीज की, वो क्या स्टेप उठा रहे हैं इस इंडोर पॉल्यूशन को लेके, ऐसा क्या है इंडोर के अंदर में जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडोर एयर क्वालिटी एंड इफेक्टिव प्यूरिफिकेशन मैथड्स, क्या क्या मैथड्स हो सकते हैं। घर में जो हम गीजर यूज करते हैं, घर में जो हम अप्लायंसेज यूज करते हैं, कई बार जो बॉन फायर यूज करते हैं, कई बार हीटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, कई बार मच्छर भगाने के लिए इस तरह की चीजें यूज की जाती है, बट क्या ये पॉल्यूशन नहीं करती है? डेफिनेटली ये बहुत बड़े पॉल्यूशन को करती है और जो कि इंडोर रहने वाले जो लोग हैं वो भी इससे सुरक्षित नहीं है। इस चीज को डिटेल में अभी समझते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चहल एकेडमी लाए हैं आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर, जिसके अंदर जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज की जो फीस थी 49,999 से जस्ट 24,999 कर दी गई है फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इंडोर पॉल्यूशन की, तो इंडोर पॉल्यूशन से रिलेटेड काफी न्यूज हमारे सामने आ रही है। एक्सपर्ट ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट टू नो अबाउट द इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्यूरिफिकेशन, क्या प्यूरिफिकेशन हमारे लिए सक्षम है पॉल्यूशन को कम करने के लिए या हमें और स्टेप उठाने की जरूरत है। एरोजोल साइंटिस्ट जो कि शहजाद गानी है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है IIT के अंदर में, सेंटर फॉर एटमोस्फेरिक साइंस के अंदर में, वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो इंडोर क्वालिटी है और जो एयर प्यूरिफायर्स है वो वर्क कर रहे हैं और किस कंडीशन में ये ज्यादा वर्क करेंगे और किस कंडीशन में ये इनइफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है पॉल्यूशन को कम करने में, आइए इसको समझते हैं। राइजिंग कंसर्न है एयर पॉल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट वल्नरेबल सेक्शन, जैसे कि हो गए हमारे एल्डर जो घर में बूढ़े लोग होते हैं, प्लस में हमारे जो बच्चे होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं, पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है इंडोर पॉल्यूशन के चलते। व्हाइल द प्रिविलेज्ड कैन कंट्रोल द
इंडोर एयर क्वालिटी, यानी वो प्यूरिफायर रख सकते हैं, अपने घर को सील कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन यूज कर सकते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा सेक्शन इंडिया जैसी कंट्रीज में जो कि ये सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, घर के अंदर भी उनको खासा प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग जो एक तरीके से प्रिविलेज्ड लोग हैं, इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, एसी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फैन एंड कूलर, वो यहाँ पे N95 मास्क और इस तरह के जो प्यूरिफायर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, बट दूसरे लोग इसको नहीं कर पाएंगे। मिलियंस ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो डिलीवरी वर्कर्स जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जो हमें डिलीवर करते हैं, वो लोग जो गिग वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, ये बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये आउटडोर एयर पॉल्यूशन के अंदर में रहते हैं, प्लस में इंडोर पॉल्यूशन भी अब बढ़ता चला जा रहा है। पुअर इंडोर एयर क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कार्डियोवेस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो टेंडेंसी है सोचने की और बात करने की, ये सारी चीज़ें हमारी अफेक्ट हो रही हैं, बिहेवियर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, मेकिंग इट्स मैनेजमेंट क्रूशियल, यानी हम घर के बाहर जो मैनेजमेंट कर रहे थे अभी तक, अब हमें घर के अंदर भी वैसी ही मैनेजमेंट करने की जरूरत है, जो कि हमने आज तक जिस पे अभी ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के तौर पे कुकिंग में जो जनरली कुछ लोग बायोमास कोल और वुड यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। गैस स्टोव जो है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली जिसमें कोल वुड और ये सारी चीज यूज की जाती है, पार्टिकुलेट मैटर्स करते हैं अगर उसको ठीक से वेंटिलेट नहीं किया जाए। वेंटिलेशन का मतलब है इन और आउट के सोर्सेज होने चाहिए, एक जगह से एयर आनी चाहिए और दूसरी जगह से एयर जानी चाहिए, ताकि वो कॉमनली एक तरीके से नॉर्मली वो फिल्टर हो सके और वो एक तरीके से रिप्लेस कर सके पुरानी एयर को जो कंटेमिनेट हो चुकी है। हीटिंग सिस्टम के अंदर में काफी ज्यादा स्टेट्स के अंदर में जहां ठंड पड़ती है वहां आज भी कोयले को जलाया जाता है, वुड जलाई जाती है, और ज्यादातर हिली एरियाज के अंदर में ऑयल जलाया जाता है, यानी जो डिबिया होती है जिसके अंदर हम ऑयल भर के उसके अंदर में एक तरीके से फायर प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो लाइट भी प्रोवाइड करे प्लस में हीटिंग इंपैक्ट भी करे। इस वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है, पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहे हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जो प्रॉपरली बर्न नहीं होते हैं, इम्प्रॉपर बर्न कंडीशन में वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जब भी हम किसी व्हीकल के अंदर में फ्यूल को बर्न करते हैं, उदाहरण के तौर पे पेट्रोल डीजल या किसी दूसरे फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो जो अनबर्न फ्यूल रह जाता है वो जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो वो एक तरीके से हेज बना लेता है, उससे विजिबिलिटी भी कम होती है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, और ये सारी जो चीजें हैं ये बनाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल्दी से एक तरीके से उड़ जाता है, जो एटमॉस्फेयर से इधर उधर ये बहुत ज्यादा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे भी क्रिएट हो जाती है। हमारी वेंटिलेशन प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। केरोसिन कई बार हीटर यूज किए जाते हैं घरों के अंदर में, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यूपीएससी इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्टील इंडस्ट्री से किस तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, घर के अंदर अगर आप वुड बर्न कर रहे हैं तो किस तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स हमारे प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जो अभी ग्रोइंग कंसर्न है अबाउट द इंडोर जो पॉल्यूशन है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोबैको स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो स्मोकिंग सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गई, वो भी इंडोर पॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। निकोटीन यहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, कार्सिनोजेन्स कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स होते हैं जो एयरवे जाने के बाद हमारी बॉडी में जाते हैं और कार्ड कैंसर भी कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ऐसे स्मोक की वजह से और सिगार और इस तरह के हुक्कास की वजह से। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो घर में जो क्लीन करने के लिए भी प्रोडक्ट जो यूज किए जाते हैं वो खुद
कार्सिनोजेनिक होते हैं वो खुद हमारे इंडोर पॉल्यूशन करते हैं। उदाहरण के तौर पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर जो हम यूज करते हैं, उनके अंदर भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसमें, एसीटोन होता है, बेंजीन होता है, जो कि बहुत ईजीली एक तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज हो जाते हैं अगर, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती है। अमोनिया बेस्ड क्लीनर्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ब्लीचिंग टेक्नोलॉजी जो होती है जिसमें ब्लीच किया जाता है, कलर किया जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो एक तरीके से हार्मफुल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल और फर्निशिंग के लिए यानी कारपेंटर जब वुड का सूट जो जिसको हम हिंदी में बुरादा बोलते हैं वो जब एमिट होता है, पेंट के अंदर में से निकलता है, फर्नीचर के अंदर में जो ऊपर के तो अंदर ऊपर जो लेयर लगाई जाती है, कोटिंग लगाई जाती है उसको बहुत ज्यादा शाइनी बनाने के लिए, वो भी एक तरीके से पॉल्यूशन करता है। कारपेट के अंदर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, पेंट्स के अंदर में, एडेसिव मटेरियल्स के अंदर में, कोई चीज चिपकाने के लिए उदाहरण के तौर पे ग्लू वगैरह जो आते हैं वो भी एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कैन रिलीज वीओसी रिलीज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इनटू द एयर ऑफ द हाउस। सिंथेटिक फाइबर्स जो आते हैं वो फाइबर्स भी धीरे 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 हम लोगों को ये पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप किस चीज को झाड़ते हैं, किस चीज को अगर आप ऐसे प्रेशर लगाते हैं तो उसमें से भी उसके जो फाइबर के पार्टिकल्स हैं, यानी कर्टेन्स को अगर आप साफ कर रहे हैं, घर में कपड़े भी सब साफ कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स भी हमारे पानी के अंदर में जाते हैं और कई बार वो एयर के अंदर भी चले जाते हैं। जब भी किसी चीज को झाड़ा जाता है तो उसके अंदर में एयर से जो फाइबर्स चले जाते हैं और वो भी कार्सिनोजेनिक है, परसिस्टेंट जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, वो एंटर कर जाते हैं। अप होल्स्ट्री कैन एमिट केमिकल ओवर द टाइम, इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। मोल्ड और माइल्ड्यू भी ये हो जाता है इसके अंदर में। डैम्प एनवायरनमेंट, आजकल घरों के अंदर में कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको सील पैक कर देते हैं घर को, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, यानी प्रॉपर सील पैक भी प्रॉब्लम हो सकती है। अंदर के अंदर में जब सनलाइट नहीं एंटर करेगी तो माइक्रो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं और वो कुछ ऐसी हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हैं मोल्ड भी इसके अंदर में ग्रो होने लग जाती है, जो कि फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करते हैं तो। एयर में एंटर करने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये एंटर कर सकती है। सीलिंग एंट्रेंस मेजर्स क्या क्या किए जा सकते हैं, अपने घर को सील कर दीजिए लेकिन सील के साथ साथ वेंटिलेशन को नहीं भूलना है, यानी इस कदर से आपको सील करना है कि हवा जो है वो आए और जाए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सील कर दिया और हवा लेकिन आ रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, यानी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी करना पड़ेगा लेकिन वो एक पर्टिकुलर चैनल से होना चाहिए ताकि हमारी जो पॉल्यूटेंट एयर है वो एक तरीके से रिप्लेस होती रहे। कीप विंडोज एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ आउटडोर, जहां पे पॉल्यूशन जिस टाइम पे ज्यादा होता है दिन के टाइम पे ज्यादातर इनको बंद रखें। सील गैप अराउंड, जो गैप है विंडो के अराउंड उसको बंद कर दिया जाए, डोर के आसपास जो गैप है बंद कर दिया जाए, वेंट्स के आसपास जो गैप है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए ताकि एयर लीकेज ना हो, एयर आपके अंदर में जो हार्मफुल एयर है वो एंटर ना करे। एयर प्यूरिफायर्स को इस हमारे जो एक तरीके से जो कमेंट किया गया है और जो इन्होंने एक तरीके से सजेस्ट किया है कि हमें एयर प्यूरिफायर, अच्छी क्वालिटी के एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए, वहीं पे अगर आपने एयर प्यूरिफायर यूज किया और अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं किया तो वो नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, वो सारे पॉल्यूशन को एक जगह लाके एक रूम के अंदर में स्प्रेड कर सकता है, नॉइस पॉल्यूशन कर सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी एयर प्यूरिफायर यूज किया जाएगा वो किसी ना किसी एनर्जी को यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा या उसके लिए कोई सेल यूज करना पड़ेगा और वहां पे भी हमारे एक पॉल्यूशन होता है, यानी सेल प्रोड्यूस करने के लिए भी किसी कंपनी में वो बना होगा जहां पे वहां पे पॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी से अगर वो चल रहा है तो पावर प्लांट के अंदर में जिसमें कोल यूज किया जा रहा है वहां भी पॉल्यूशन होता है, तो कार्बन फुटप्रिंट को भी हमें नजर में रखना चाहिए। इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर जो हेपा फिल्टर टू ट्रैप फाइन पार्टिकल्स, यानी जो हाई क्लीन एनर्जी जो एयर डिलीवरी रेट्स होते हैं जिनके हाई एनर्जी के होते हैं उनको ही यूज करना चाहिए, छोटे एयर प्यूरिफायर काम नहीं आते। प्यूरिफायर को ऑटोमेटिक सेंसर पे होना चाहिए क्योंकि हम हर बार उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, यानी हर मिनट जो पॉल्यूशन लेवल चेंज हो रहा है उस पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता। ऑटोमेटिक के अंदर में क्या होगा, जैसे ही पॉल्यूशन कम हुआ ज्यादा हुआ उसके हिसाब से प्यूरिफाई
करेगा, लिमिटिंग इंडोर पॉल्यूटेंट सोर्सेज, यानी जितना हो सके इलेक्ट्रिकल और इंडक्शन जो स्टोव्स होते हैं उनको ही यूज करें, एंश्योर करें प्रॉपर किचन वेंटिलेशन टू रिड्यूस द बिल्टअप ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द कुकिंग, यानी जब कुकिंग में बहुत सारी चीजें हमारे स्पेशली वेपर्स जो हमारे फूड से निकलती हैं वो वेपर्स हमारे जो रूम के अंदर यानी कुक जो किचन है उसके अंदर में जो पार्ट जो हमारे पेंट है और जो वुड है उसके साथ इंटरैक्ट करके वो धीरे धीरे वहां से निकलने लग जाता है। तो अगर मॉइस्चर उसमें ज्यादा रहेगा और उसके अंदर में जो हम केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं कई बार फूड के अंदर में वो हमारे पेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वुड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, प्लास्टिक यूटेंसिल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद एक थर्ड फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में एंटर कर जाते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। तो हमारे किचन में एक प्रॉपर वेंटिलेटर लगा होना चाहिए, जो भी एमिशन हो रहा है वो डायरेक्टली हम उसको बाहर कर दें, हमारे किचन में लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर नहीं रहना चाहिए। अवॉइड कीजिए कि आप जो इंसेंस या फिर कैंडल्स को यूज करते हैं, आजकल जो खुशबूदार ऐसी कैंडल्स आती हैं जिसमें एक तरीके से खुशबू के लिए हम इसको यूज करते हैं, बहुत ही एक तरीके से दिखने में भी बहुत एस्थेटिक लगता है, बट दिखना और ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है, पॉल्यूशन और बढ़ जाता है, तो इन चीजों को भी अवॉइड किया जाए। कैंडल लाइट डिनर हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल हो सकता है, इनडायरेक्टली हमारा ये रिकमेंडेशन है और ये हमारी जो रिपोर्ट है इसका रिकमेंडेशन है। डेफिनेटली जो ये आपकी जो अच्छा दिखने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, अच्छी दिखने वाली जो चीजें हैं, कई बार ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए कि घर में कोई चीज बर्निंग और इस तरह की चीजें ना की जाए, क्योंकि पॉल्यूशन कई बार दिखता नहीं है लेकिन ये स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देता है और डिटीरिएट कर देता है। बात करते हैं कि और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। वेंटिलेशन को प्रॉपर करना चाहिए। वेंटिलेटर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारे दरवाजों को खोल दें और हवा आ रही है और जा रही है। वेंटिलेटर एक प्रॉपर मैकेनिज्म से होता है, एक पूरा इसके अंदर में सिस्टमैटिक हमें वे लगाना पड़ता है। यानी यहाँ पे वेंटिलेटर के लिए जो हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रॉपरली डिसाइड करते हैं कि किस साइड से एयर आनी चाहिए और किस साइड से उसको जाना चाहिए। तो HVAC जो हाईली वोलेटाइल जो हमारी चीजें होती हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं, उनको डिजाइन करने वाले लोगों को हायर करके प्रॉपर में ये करना चाहिए। बट डेफिनेटली हम जो एक पुअर फैमिली है वो ये सारी चीजें नहीं कर सकती, ये चीजें लिमिटेड होती हैं। जो टॉप की 1-2% रिच पीपल है, रिचेस्ट पीपल है इंडिया के, सिर्फ वही यह सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो 98% जो गरीब तबका है जो इन चीजों को इतनी इस तरीके से फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकता, डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। Use exhaust fan to remove the indoor air pollution. Kitchen और bathroom से इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे bathroom में ऐसे ventilators को नहीं लगाया जाता, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है कि जो important जो harmful जो और contaminants है उसको वहाँ से निकाला जाए। क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन क्लीनिंग एजेंट्स भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस तरह के क्लीनिंग एजेंट्स को यूज किया जाए। जितना हो सके नॉर्मल पानी से चीजों को क्लीन करना चाहिए, डिटर्जेंट या फिर क्लीनिंग एजेंट्स या फिर स्प्रे वाले जो आजकल जो फ्यूमिगेंट्स और इस तरह के जो एरोजोल वाले जो बहुत सारे पार्टिकल्स जो आते हैं और जो ऐसे जो क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं उनको अवॉइड किया जाए। क्लीन एयर प्योरीफायर फिल्टर रेगुलरली टू मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस। एयर प्यूरिफायर आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसको भी हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहना पड़ेगा। डस्ट और वैक्यूम होम फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, यानी अगर आप किसी तरीके से तो वहां से जो हार्मफुल एयर है उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्टिकुलेट मैटर्स को निकालना बहुत जरूरी है। नॉन टॉक्सिक नॉन VOC क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए, यानी कई केमिकल्स आपने देखे होंगे जो हमारे जो डस्ट होती है और उनको तो बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली रहता हमारे घर ही है। जो क्लोथ हम उसको इसके लिए जो क्लीन करने के लिए यूज करेंगे वो क्लोथ में वो सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो भी पॉल्यूशन करता है। यूजिंग हाउस प्लांट्स, यानी घर के अंदर में प्लांटेशन किया जाए, इंडोर प्लांटेशन किया जाए ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है कुछ लेवल तक कम हो सके। जैसे कि स्नेक प्लांट होता है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, स्पाइडर प्लांट होता है हमारा और पीस लिलीज होती हैं, इस तरह के जो प्लांट्स को घर में लगाया जा सकता है, ये बहुत अच्छे
हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स होते हैं जिनसे हमारा पॉल्यूशन इंडोर पॉल्यूशन कम हो सकता है। लिमिटेशन क्या है इंडोर की? इन इफेक्टिव इन अनसील्ड होम्स, यानी जो ऐसे घर हैं जिनको सील नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे आप लोगों का हमारे जो घर होते हैं वो एक यानी सील किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा तबका पुअर जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं वो किस तरीके से ये करेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एयर प्यूरिफायर आर लेस इफेक्टिव इन होम्स विद पुअर इंसुलेशन और इन एरिया वेयर आउटडोर पॉल्यूटेंट इजीली एंटर कर सकता है, यानी जो जिन घरों में ये आसानी से अगर एंटर करता है तो एयर प्यूरिफायर भी उसके इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो घर के अंदर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी एक चैनल होना चाहिए, यहां से एयर आती है और यहां से एयर जाती है, और एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर हमको यूज करना चाहिए अगर आपकी कैपेसिटी है तो। दूसरा प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट। इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लिमिटेड कवरेज एरिया, यानी एक बड़ा प्यूरिफायर आपको लेना पड़ेगा 20x20 के रूम को क्लीन करने के लिए, पूरे घर को क्लीन करने के लिए, प्यूरिफायर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे इस तरह के प्यूरिफायर्स खरीदने पड़ेंगे। डेफिनेटली इतने सारे प्यूरिफायर खरीदना एक आम जो घर है इंडिया के अंदर में और ऐसी जैसी कंट्रीज में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और ये लगाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा है कि डज नॉट एलिमिनेट ऑल पॉल्यूटेंट्स। ये जो एयर प्यूरिफायर है मेनली जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसको ठीक से फिल्टर कर सकता है, लेकिन वीओसी जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये वीओसी जनरली बर्निंग के टाइम पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारे जो फ्यूल बर्न किया जाता है घर में, कई बार कोयला वुड इस तरह की भी चीजें बर्न की जाती हैं, और जो पेट्रोल डीजल बर्न किए जाते हैं वहां से वीओसी निकलता है, उसको ये ठीक से यानी फिल्टर नहीं कर सकता। कंपनी क्लेम करती है कि वो वीओसी को भी क्लीन कर सकती है, बट एक्चुअली दे आर नॉट क्लीनिंग द वीओसी, दे कैन ओनली फिल्टर द PM2.5, यानी इसमें भी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का करना चाहिए यूज जो कि वीओसी को भी क्लीन कर सके। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन होता है और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी इसमें एमिट होती है। कई बार जो सस्ते हमारे एयर प्यूरिफायर्स है वो बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी वो अगर कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बन रही है वहां तो कोल यूज किया जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, कोल एमिशन यानी कोल से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बढ़ जाएगा, तो नॉइजी हो सकते हैं, डिसरप्टिव हो सकती है, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। फिल्टर रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस कराना में अपने आप में एक चैलेंज है, एक रेगुलर टाइम पे इसको मेंटेनेंस कराना, इसका जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होगा, रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट होगा वो भी एक प्रॉब्लम है, प्लस में एक पर्सन इसके लिए डेडिकेटेड चाहिए फिर इसको जो हमेशा इसको देखता रहे, डेफिनेटली वो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनइक्विटेबल एक्सेस है, एथिकल इश्यूज है, यानी अगर इस तरह की चीजें अवेलेबल है और हर घर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एक ये एथिकल कंसर्न भी है। इट इज नॉन एथिकल, यानी जो पुअर लोग हैं वो क्या पॉल्यूशन में ऐसे ही रहेंगे और जो सिर्फ रिच लोग हैं उन्हीं के लिए पॉल्यूशन प्यूरिफायर्स हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी और इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि एक्सटर्नल एटमोसफेयर जो पॉल्यूशन है वो भी ना बढ़े, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज unethical practice, expensive and making them inaccessible to low income individual or communities, disproportionate burden on the vulnerable, यानी जो pollution बाहर के लोग कर रहे हैं, बड़ी companies कर रही हैं, poor जो rich लोग हैं उनके घर में जो 10 AC चल रहे हैं, 50 fan चल रहे हैं, ऐसे लोग जो pollution में contribute कर रहे हैं उनको pollution bear नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उनके द्वारा pollution जो create किया गया वो एक गरीब आदमी को वो एक तरीके से बियर करना पड़ रहा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की चीजें और उसको तब भी बियर करना पड़ रहा है, तो ये कंसर्न है। एक्सर्बेशन ऑफ दी सोशल इनइक्वालिटी इससे बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि अगर जो अमीर है वो पॉल्यूशन भी एमिट करवा रहा है, यानी थर्मल पावर प्लांट में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, कोल यूज किया जा रहा है उन लोगों की वजह से, और वो लोग को पॉल्यूशन बियर नहीं करना पड़ रहा, हर जगह वो एसी में रहते हैं, प्यूरिफायर्स है, गाड़ी में एसी है, एसी जो उनके जो ऑफिस है वहां पे एसी है, घर में एसी,
सी है और वो प्रॉपर प्यूरिफायर को यूज कर पा रहे हैं, इंडोर भी रह पा रहे हैं, इस तरह के कंटेमिनेंट्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं जो एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इस तरह के क्लीनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इनऑर्गेनिक चीजों को वो अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजों को वो एक तरीके से यूज कर सकते हैं। बट ये जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये जो इन इन जो इस तरह की जो प्रोपोर्शनेट है, जो डिसप्रोपोर्शनेट एक तरीके से इनइक्विटेबल या फिर आप बोल सकते हैं जो अनइक्वल डिसप्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन है, यानी जो गरीब तबका है इनके अपोजिट साइड में, वो क्या करे आपके पॉल्यूशन जो जनरेट किया है, आपने जो पॉल्यूशन जनरेट किया है उसके लिए वो क्या कर सकता है। इसके लिए क्या होता है कि जो पुअर लोग हैं उनको पॉल्यूशन ज्यादा बियर करना पड़ रहा है, तो जब पॉल्यूशन ज्यादा बियर करना पड़ रहा है तो हेल्थ हजार्ड उनके बढ़ते जा रहे हैं, उनको पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही है, उनको और ज्यादा फिर हेल्थ इश्यूज हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर भी पैसा खर्च होता है, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है हेल्दी एनवायरमेंट में रहता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंस ज्यादा होती है, वो और वो अमीर होता चला जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक्सजर्बेट करता है सोशल इनइक्वालिटीज को भी। प्लस में ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एयर प्यूरिफायर एक परमानेंट सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी हो सकता है प्यूरिफायर का, जितने ज्यादा प्यूरिफायर यूज किए जाएंगे उतनी ज्यादा कंपनीज बनेंगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और ये इनडायरेक्टली कार्बन फुटप्रिंट को ही जनरेट करता है। कंप्लेंसी इन द पॉलिसी एक्शन, द अवेबिलिटी ऑफ द एयर प्यूरिफायर में रिड्यूस द अर्जेंसी फॉर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज टू इनेक्ट ब्रॉडर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, यानी जब एयर प्यूरिफायर अगर अवेलेबल है तो ये सबको अवेलेबल हो जाए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। हेल्थ रिस्क फ्रॉम पुअर क्वालिटी प्यूरिफायर्स, यानी अगर हम पुअर क्वालिटी के प्यूरिफायर यूज करेंगे तो वो हमारे ओजोन को भी डिप्लीट करेगा, हेल्थ इश्यूज भी करेगा, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर जो सेक्शन है, जो चिल्ड्रन है और जो एल्डरली पीपल है, उनको सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट झेलना पड़ रहा है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इंप्रूव्ड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो एमिशन है, सबसे पहले तो हमें जो फाइन है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी पहले ये फाइन 1,00,000 रुपए हुआ करता था, यानी अगर कोई बड़ी कंपनी जो जिसका जो टर्नओवर है वो 1,00,000 करोड़ में है और एक कंपनी है जिसका टर्नओवर कुछ लैक्स में है, दोनों के ऊपर सिर्फ 1,00,000 रुपीज फाइन किया जाता था, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज थी वो डेली इसको पे कर सकती हैं, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो फाइन भरती रहती थी और पॉल्यूशन करती रहती थी, जिसको धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से 1 करोड़ तक का फाइन कर दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हर दिन 1 करोड़ रुपए दे सकती है, ऐसी जो एजेंसीज है उनको फाइन के रूप में, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमें रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ाएं, इनमें जो इंप्रिजनमेंट का जो चार्जेस है वो भी बढ़ाया जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को 10 साल की सजा हुई है लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये सजा हुई है जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किया गया था, इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए ताकि गरीब लोगों को ये चीज बियर ना करनी पड़े। रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी को हम ज्यादा प्रमोट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा प्रमोट करें, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाए जहां पे कम से कम हमारा वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो, और हम एनवायरमेंटल की जो नेचुरली अवेलेबल चीजें यानी सनलाइट है, यानी हम ग्लासेस को यूज करें पूरी प्रॉपर कॉन्क्रीट वॉल के कंपैरेटिवली, ग्लासेस से ज्यादा सनलाइट अंदर एंटर करेगी तो आपको बल्ब वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज हो सकती है, अगर हम ग्लासेस यूज करेंगे दीवारों में तो सनलाइट की वजह से ज्यादा हीट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हम ज्यादा एसी और फैन कूलर को यूज करेंगे, तो यह भी एक सॉल्यूशन नहीं है। मेन चीज है ग्लास किस तरह का यूज किया जाए, तो ग्लास में भी स्मार्ट ग्लासेस आजकल आते हैं जो कि हमें सिर्फ सनलाइट अलाउ करेंगे, वो वहां पे हीट को अंदर एंटर नहीं करने देते, तो इस तरह से हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि सॉल्यूशन में भी बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो हमारे क्लीनर कुकर कुकिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट किया जाए, जो आज भी गांव में चूल्हा जलाया जाता है, लकड़ी बर्न की जाती है, कोयला बर्न किया जाता है, उसको रोका जाए, व्हीकल एमिशन यानी BS6 को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए और उससे भी अच्छा जो कोई टेक्नोलॉजी है उसको लाया जाए। आज इंडिया के अंदर में 7
7% से लेकर 11% तक, किसी किसी साल 11% तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डीजल से बनती है, यानी जो जनरेटर है वहां से बनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में हर जगह अभी तक पावर लाइंस नहीं पहुंची हैं। इंडस्ट्रीज चाहती है कि उन्हें सस्ती लैंड मिले, सस्ती लैंड उन्हें रूरल किसी आउटस्कर्ट में मिलती है, वहां पे वो इंडस्ट्री डेवलप कर लेते हैं, लेकिन पावर लाइंस वहां तक नहीं होती, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो आज भी जनरेटर को यूज कर रहे हैं, और लगभग 7% के बराबर जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है वो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है, जिसमें डीजल यूज किया जाता है। तो हमें पावर लाइंस को बढ़ाना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज कम से कम 7 से 11% पॉल्यूशन को हम डायरेक्टली इससे कम कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकल के ऊपर हमें एक तरीके से ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो प्रोड्यूसर है उसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में EPR के अंदर में डालना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेंट को हम रोक सकें एनवायरमेंट में जाने से। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस का आपके लिए लेकर आए हैं। सॉरी, आउटडोर एयर पॉल्यूशन कंटिन्यू टू बी अ मेजर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन इंडिया, डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो ओल्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं और जो बच्चे हैं। डिस्कस द वेरियस मेजर्स डेट कैन बी अडॉप्टेड टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मेजर्स बताइए, विद ए स्पेशल फोकस ऑन देयर लिमिटेशन एंड एथिकल कंसर्न, यानी एथिकल कंसर्न भी ना हो, यानी आप ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि जाके प्यूरिफायर खरीद लो, तो आपको उसमें भी प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये देना पड़ेगा। हाउ कैन These individuals measures be complemented with the broader systematic solution to tackle the root causes of the air pollution, यानी जो main जो air pollution का जो main sources है और जो main कारण है उसी पे हमें ज्यादा focus करना चाहिए, उसके बारे में discuss कीजिए, उसके बारे में बताइए। इस question को 250 words में एक बार attempt करके कोशिश कीजिए, जो data हमने provide किया उसमें apply कीजिए, और भी जो डेटा आपको मिलता है उसमें अप्लाई कीजिए, और एक अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।